कौन? बोले जो ये घूंघट डाले। भगवान देख रहे हैं, बोले इनको पहचान लिया, ये ब्रह्माणी, ये रुद्राणी, ये इंद्राणी, सबको। बोले लेकिन ये जो घूंघट डाले इसको नहीं जाना, ये कौन है? और देखा मेरे भोलेनाथ, यही तो प्रेम की परंपरा का स्थान है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। लेकर हाथ में और एक मिचकी खिला दी कि भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं, कितों धुतिया डरी साड़ी, केवल मृगशाला में भगवान भोलेनाथ ऐसा नाचे कि त्रिभुवन में जय जयकार होने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर ली। आज शरद पूर्णिमा में जैसे महारास हुआ, ब्रज की सखियों को अभिमान हो गया। देखो याद रखना, कब अभिमान का अंकुरण शुरू हो जाए पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। चाहे धर्म हो, चाहे अपने संसार के कर्म हो, याद रखना मेरी बात को, कभी घमंड नहीं करना, कभी। क्यों? अभिमान हर परिस्थिति में बुरा होता, जहर, जहर हर परिस्थिति में बुरा होता। गलती से पी लो तो मर जाओगे, जानबूझ के पी लो तो मर जाओगे। चलो ठीक है, आगे का अंगारा है, आगे का अंगारा। गलती से पांव रख दोगे तो जल जाओगे, जानबूझ के रख दोगे तो जल जाओगे। ऐसे ही घमंड है, अभिमान है। गलती से अभिमान कर लिया तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, जानबूझ के अभिमान करोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, कभी अभिमान नहीं करना। क्यों? जब अभिमान कर दोगे तो संसार तो छोड़ ही देगा, भगवान भी छोड़ देगा। और भगवान ने छोड़ दिया, सखियों को छोड़ दिया। अब बताओ, उन वेद के मंत्रों को छोड़ दिया भगवान ने। आप सभी से निवेदन है, जितने भी भैया सुन रहे हैं कथा माताएं, कभी जीवन में घमंड नहीं करना। बताओ, जैसे मैं हूं, मैं कथा कह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि नहीं साहब मैं कथा बड़े विचार से कर देता, कह लेता हूं, ये घमंड नहीं है क्या? घमंड? अरे भगवान की कथा मैं तो क्या सारा और शेष नहीं कर पाए, तो हमारी तो औकात क्या है? हां, भगवान का नाम है, अच्छे ले लो तो पुण्य मिलेगा, बुरे ले लो तो पुण्य मिलेगा। भाई भगवान कन्हैया क्या है? भगवान कन्हैया खोवा का लड्डू है, खोवा का लड्डू। खोवा का लड्डू खाया कभी? नहीं खाया? अच्छा, कभी रसगुल्ला खाया किसी ने? इस गांव में बनते नहीं है।